सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। चाहे ओवरलोड बंद हो, हम लोग भी इसके पक्ष में हैं, बशर्ते हम लोगों के साथ न्याय हो। जो हम लोग एंट्रियाँ लगती हैं हर जगह, ये सब बंद होना चाहिए, और जो ये गेट पास और ये रमन्ना जो इशू हो रहे हैं ये भी बंद होना चाहिए। शासन के स्तर पे जो है ये उत्पीड़न हो रहा है ट्रक वालों का, इसको तुरंत अविलंब बंद होना चाहिए। जो अंडरलोड की रमन्ना है वो इशू करें। हम लोगों का ट्रक यूनियन की तरफ से यही कहना है कि जो गल्ला मंडी से गेट पास वगैरह इशू हो रहे हैं जी, तो वो गेट पास अंडरलोड की जो गाड़ी जितनी पासिंग है उतना गेट पास इशू किए जाएँ। अच्छा, हम लोगों को ओवरलोड का गेट पास इशू हो रहा है कितने उसके भाई? जैसे जो गाड़ी 12 चक्का है जी, वो गाड़ी 20 टन पास है। ठीक। जो गाड़ी 10 चक्का है वो गाड़ी 15 टन पास है। जो 6 चक्का है वो 9 टन पास है। अच्छा, तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की पासिंग के हिसाब से गेट पास इशू किए जाएँ तो ओवरलोडिंग अपने आप हमको लगेगा। और जो MM11 मिलती हैं तो वो 24 घन मीटर वाली देते हैं 10 चक्के में जी, तो उसका वजन हो जाता है ओवरलोड, तो वो 12 घन मीटर की MM11 मिलेंगी, तब वो 9 घन मीटर की, तब वो जाके अंडरलोड कहलाए 9 घन मीटर की MM11। यही कहना है कि हम आज SD महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधित ज्ञापन देने आए थे जी, कि जो ओवरलोड, ये तो अपने शासन की आमदनी बढ़ाने के लिए जबरदस्ती ओवरलोड की रवन्ना प्रपत्र खनिज में देते हैं जी, जो 24 घन मीटर का देते हैं, 12 घन मीटर का देते हैं 6 चक्के में, और 27 घन मीटर का देते हैं 12 चक्के में जी। तो कम से कम ये रवन्ना ये इसका वजन 40 टन करीब हो जाता है, तो ये रवन्ना कम से कम कम करे तो हम लोग उतने ही वो, जिससे सरकार की तो आमदनी बढ़ती है लेकिन गाड़ी मालिक को नुकसान होता है। गाड़ी मालिक का फ्री में ये लोग टीमें बना बना के ये चेकिंग कर रहे हैं, अवैध चालान कर रहे हैं, गाड़ी मालिक कहीं ओवरलोड करना नहीं चाहता है। तो और जैसे ये मंडी भी इन्हीं के अधिपत्य में आती है, तो मंडी के जब ये सभापति हैं तो ये मंडी में कहें कि ये जो चालान गेट पास बनाया है तो वो 20 टन का बनाया, 15 टन का बनाया, ये 30-30 टन का गेट पास बनवाते हैं, तो इनकी स्वीकृति तो है जी। जब तो ये बना रहे हैं इतना बड़ा गेट पास, तो इनकी तो आमदनी हो जाती है गवर्नमेंट की, लेकिन गाड़ी मालिक का जो नुकसान हो रहा है, उनको पकड़ पकड़ के चालान कर रहे हैं, ड्राइवरों को मार पीट रहे हैं, तो एक आदेश निर्गत करें कि भाई अंडर लोड ही चलना है, जो लोड स्वीकृत है वही पर पत्र दें, तो गाड़ी मालिक अपने हिसाब से वही गाड़ियाँ चलाएंगे। ठीक, डन। कुछ दो सब जो ओवरलोड में ट्रक बंद किए जा रहे हैं, अति उत्साह में बंद किए जा रहे हैं, 30 टन की पर्ची दे रहे हैं ये मंडी समेत से, और जबकि 20 टन ट्रक पास है, तो इन्हें 20 टन की ही पर्ची देना चाहिए। इसी तरह खनिज की भी पर्ची ओवरलोड की खुद दे रहे हैं और बाद में ट्रक मालकों के चालान कर रहे हैं, ये गलत है। इसके संबंध में हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेज रहे हैं और उपजिला अधिकारी के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू।